Namaste everyone. Happy Republic Day. Here is a small gist of the song which I'm going to sing today. The essence of the song tells us that in the times of national reconstruction and development, we should not forget about building character and qualities. In the storm of selfish pursuits, let us not forget the welfare of Vasudha, the Mother Earth. There is no limit to hurdles in our lives, but surrendering is not only the solution, and only courage is the need of the hour. What can education be if that education does not have a moral basis? Basking in the glory of success, do not forget to respect our Sanskriti, respecting parents, teachers, elders, society, and country at large. And do not forget our culture. To end with, the core meaning of the song tells you that in the mad rush towards our selfish and materialistic pursuits, do not forget to uplift your life and be humble and have a controlled mind and behavior. निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी कल्याण न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, मानागम अगाध सिंधु है संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूब मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है, जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, हम चरित्र निर्माण
निर्माण ना भूले, हम चरित्र निर्माण ना भूले। प्लीज रिपीट विथ मी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद।